السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين सबसे पहले हर तरह की हमदर सना तारीफ़ और तोसीफ़ अल्लाह रब्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसके जिसके फजल एहसान से आज की इस मजलिस में हम जमा हुए हैं अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह रबुलामी क़ुरान के नूर से हमारे सीनों को मनवर कर दे अल्लाह ताला कुरान की बरकत से हमारी मुश्किलों को आसान कर दे हमारी मुसीबतों को हल कर दे अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद पढ़ने वाला कुरान मजीद समझने वाला कुरान मजीद पर अमल करने वाला कुरान मजीद की दावत देने वाला बनाए जो कुरान के हकूक़ अल्लाह ताला ने प्यारे नबी मोहम्मद के उम्मती होने की हैसीयत से हम पर आयत फरमाए हैं अला रबालमी उन हकूक़ को अदा करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए तफसीर का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है और अलहमद आयत नंबर एक सौ पंचानवे तक हम पहुँच गए अल्लाह ताली इस सिलसिले में बरकत अदा फरमाए और इसको अपने अख्तितम तक ले जाने की अल्लाह ताला हमको तोफीक दे सुरह बकरा की आयत नंबर वन नाइनटी फाइव से आज के दर्स का आगाज करना है अल्लाह ने फरमाया व वो सभी वुलुकाबुलसिन अल्लाह ने फरमाया व अन फिखोफ़ी सभी अल्लाह तला के रास्ते में खर्च करो वाला तुलदी कु और अपने हाथों को हलाकत में मत डालो हलाकत की तरफ मत बढ़ाओ अपने आप को हलाकत में मत डालो व आहसिनों और एहसान करो नेकी करो इन यूबुलमुसिन बेशक अल्लाह ताला महसिन को से मोहब्बत करता है यह शुर बकरा की आयत है अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन्फाक हुक्म दिया है इफ़ाक़ का मतलब होता है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना फ़ी सभी का माना कुरानी मजीद में आम तौर पर जहाँ पर भी फ़ी सबी का लफ्ज आता है वो फ़ी सभी का लफ् ख़ास होता है वो फ़ी सभी का लफ् ख़ास होता है जिहाद फ़ी सभी के मानी में जिहाद बमाना पताल यानी जहाँ भी फ़ी सभी का लफ्ज़ आता है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो तो वहाँ ख़र्च करने से मुराद ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो एक मुश्रिकी ने मक्का से फिजिकल जंगें हो रही हैं तलवारों से और जीरो से और तीरों से भालों से तो जाहिर सी बात है वो जंग वो जंग जो सूरत हाल है वो जंग उसके लिए बड़ा सरमाया दरकार है हथियार दरकार है वो गाजी जो अल्लाह आलमीन के रास्ते में गजवा करने वाले हैं जिहाद करने वाले हैं उन गाज़ियों पर भी खर्च दरकार है तो जंग जो है वो इसके लिए एक बड़ी ज़रूरत होती है माल की तो जंग में पार्टिसिपेट करने वाले दो तरह के लोग होते हैं एक वो लोग होते हैं जो अपनी जान से उन जंगों में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो अपना माल उस रास्ते में खर्च करते हैं हथियार खरीदने में जरहे खरीदने में और मुजाहिदीन को जो वजीफा दिया जाता है उन पर जो खर्च होता है उसमें तो बुनियादी तौर पे जब फी सभी कहा जा रहा है तो फी सभी से बेसिक जो माना है फी सभी का कुरान मजीद में जहां भी फ़ी सभी का ला लग जाता है तो वहां उससे मुराद होती है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद हो रहा है मशरिकी ने मक्का से तो उस उसमें खर्च करो यानी अल्लाह के नबी नबीम जब तक मक्का में रहे तब तक, तक, तक तो उस तरह की जिहाद की सूरत हाल पेश नहीं आई मुशरी ने मक् से कोई बाकायदा टकराव नहीं हुआ पर जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना आ गए तो अब मदीना एक रियासत बन गई है एक हुकूमत कायम हो गई है और हर रियासत के जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं उसमें से एक शोबा डिफेंस का शोबा भी होता है और जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है हर इलाका हर मुल्क जब उसकी सरहदें बन जाती हैं तो उन सरहदों की हिफाजत के लिए और एक फ़ौज दरकार होती है और उस फौज की किफ़ालत के लिए अच्छा खासा सरमाया दरकार होता है खासतौर पे मदीना में जो सूरत हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी तो यहाँ पर तो मुशरिकी ने मक्का मुसलसल नजर गड़ाए हुए बैठे थे और वो वजूद जो मुसलमानों का मदीना के अंदर था किसी भी तरह उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था तो वो तो अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाले थे और सिर्फ मुशरिकी ने मक्का ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा अरब और अलग अलग कबाइल जो अरब के थे उन सब की नज़र मदीना की उस छोटी सी बस्ती पर थी जिसका वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हुआ था तो उस बस्ती की हिफाजत करना उसकी सरहदों की हिफाजत करना और फिर वो कलमा जिसको ले करके अल्लाह के नबी नबीम खड़े हुए थे उस कलमे को बुलंद करना और उसका परचम लहराना पूरे अरब पर कि अल्लाह के नबी नबीम की जिम्मेदारी थी और ये जो परचम लहराया गया वो दावत के ज़रिए से भी लहराया गया और जिहाद के ज़रिए से भी लहराया गया अल्लाह रबुलामी ने इस दीन को बुलंद करने में मुसलमानों की जो जबानी और लसानी कोशिशें थी उनका भी बहुत बड़ा दखल था और जहां पे जरूरत महसूस हुई वहां तलवार का भी इस्तेमाल किया गया और पुरानी मजीद में आप देख रहे हैं कि वो जो पूरा एक बयान चल रहा है जिसके सिलसिले की ये आयताई है इससे पिछली आयतों में बाकायदा के ही का जिक्र आ रहा है वक़ातलू हम अना फितना व यकून दिन उनसे जंग करो यहाँ तक कि जमीन पर कोई फितना बाकी ना रहे और दीन खालिस अल्लाह का हो जाए तो उसी जिन में ये बात आ रही है फीसबीदिल्ला की कि अभी जो सूरत हाल बनी है जंगों की और मश्रिकी ने मक्का से बाकायदा झिड़पें हो रही हैं ये जंगें कामयाब नहीं हो सकती जब तक के एक माली बजट जो है वो इनके लिए खास ना कर दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर मुसलमानों को मुसलसल माल खर्च करने का अल्लाह के रास्ते में हुक्म दे रहा है सूरह बकरा में ये बहुत तफसील से इंफाक को आया है और उस उसाक का पस मंजर असल में बुनियादी तौर पर यही है कि ये जो एक डिफेंस का शोबा मुसलमानों ने मदीना में कायम किया है उसको बजट फराहम करो बग़ैर माल के जो है ना वो जिहाद नहीं हो सकता था माल जिहाद के लिए माल की जरूरत बहुत शदीद थी इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े मौक़े जो अल्लाह के नबी नबीसम के ज़माने में आए जिसमें साहब कराम ने अपना बड़ा माल खर्च किया वो असल में जिहाद के मौाक़ थे वो ज, ज, जैसे बहुत मशहूर वाक़ जो है हजरत अबूबकर उमर का कि जहाँ दोनों एक दूसरे पर मुसापा हजरत उमर जो है वो हजरत अबूबकर से सप्त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सूरत हाल कौन सी थी जहाँ हजरत उमर अपना आधा माल लेकर के आ गए फिर हजरत अबूबकर अपना पूरा माल लेकर के आ गए वो तबूक का मौका था और सबसे उस जमाने सबस, की जो सुपर पावर थी वो सुप्रीम पावर जो सबसे बड़ा था यानी द रोमन अम्पायर उससे जंग दरपेश थी तो इतनी बड़ी फौज से लड़ने के लिए उतनी बड़ा माल चाहिए था और वही मौका था जब हज़रत तो उस्मान ने अपना पूरा का पूरा काफिला अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और अल्लाह ने हजरत उस्मान को बशारत दी कि उस्मान जो भी कर ले उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा अल्लाह तला ने उनके लिए जन्नत वाजिब कर दी है तो असल ही जो कुरान मजीद में आप देखते हैं सूर्य बकरा में जो बहुत ज्यादा इफाक का हुक्म आता है और मदनी सूरतों में जो इफाक का हुक्म आता है उस इन्फाक का जो पस मंजर असल है वो यही है कि अभी जिहाद हो रहा है तो उस जिहाद में माल की जरूरत है बजट की ज़रूरत है और वो जिहाद अरब मैंने इससे पहले भी आपको शायद गालिबा बताया है कि अरब में जो जिहाद होता था तो उसमें जो आमतौर पे खर्च आता था वो हथियारों पर बड़ा खर्च आता था क्योंकि बेषतर जो हथियार इस्तेमाल होते थे जिहाद में वो इंपोर्ट किए जाते थे बाहर से जरहे जो है वो इंपोर्ट की जाती थी तलवारें इंपोर्ट की जाती थी और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान की तलवार का अरबी शायरी में और अरबी का जो एक अदब है पुराना जाहली अदब उसमें अल्हमदिल्ला वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये सूरह बकरा में जो इन्फाक का हुक्म बहुत कसरत से आता है तो उसका एक पस मंजर अक्सर जो है ना वो ये होता है कि ये पैसा खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद हो रहा था उसमें खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है और बल्कि उलमा ने कहा है कि फी सभी कुरान मदीद में जहाँ पे भी मुतलक आता है बग़ैर किसी कैद के तो उससे मुराद कैताल होता है जो अल्लाह के रास्ते में जंगे हो रही हैं इसीलिए उलमा ने जो है ना वो कहा है कि जो आयत जक़ात है उसमें सभी को जो लफ्ज आया है वो आम नहीं है बल्कि वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले कताल करने वाले लोगों के लिए है तो बहरहाल ये ये पस मंजर जो है खर्च करने का ये खास वो पसमंजर है कि अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद हो रहा है उसमें खर्च करो तो अनफिको फी सभी और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो अच्छा फी सभी में एक तो जिहाद की बात आ गई और एक ये है कि खालसतन अल्लाह तला की रजा के लिए खर्च करो सभी में जो है ना वो इखलास के माना भी पाए जा रहे हैं कि तुम जो भी खर्च कर रहे हो खालस नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए खर्च कर रहा हूं जैसे मुजाहिद के बारे में कहा ना कि उसका जिहाद जो है वो इसलिए होना चाहिए ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो होना ताकि अल्लाह तला का कलमा बुलंद हो जो इसलिए जिहाद करेगा उसी का जिहाद उसी की जान का नजराना अल्लाह तला के यहाँ कबूल किया जाएगा तो मुजाहिद वो है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद करता है ऐसे ही सखी वो है अल्लाह ताला के उस आदमी का सदका कबूल है जिसकी खालसता नीयत क्या है उसकी खालसता नीयत यह है कि वो अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए अपना माल खर्च कर रहा है और दुनिया में इससे ज्यादा अजीज़ माल इससे ज्यादा मुफीद माल कोई नहीं हो सकता है जो इसलिए खर्च किया जाए ताकि अल्लाह का कलेमा बुलंद हो तो असल अनफीको फी का माना वही है कि जो कताल हो रहा है जो जंगी हो रही हैं उसमें अल्लाह का माल खर्च किया जाए उस खास पस मंजर में अलबत्त बाज़ुलमा ने यह बात कही है कि सबीलुल्लाह में यानी जो जिहाद होता था जिहाद का मकसद भी क्या होता था अल्लाह तला के कलमे को बुलंद करना अब हमारे जमाने में बहुत सारे मुस्लिम इलाके हिंदुस्तान है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बायदा उस तरह का जिहाद कताल तो नहीं हो रहा लेकिन दावत के जो काम हो रहे हैं मदारिस जो को निकाल रहे हैं जो मंबर वहराब पे अल्लाह के नबी नबीम की विरासत इल्म की रोशनी में इल्म की शक्ल में तकसीम कर रहे हैं और जो दावत का काम हो रहा है लोगों की असलाह का काम हो रहा है ये भी एक तरह का जिहाद है ये जबानी जिहाद है ये कलमी जिहाद है बल्कि बाद सूरतों में तो ये जो जिहाद है वो तलवार वाले जिहाद से ज़्यादा अफजल है तो उल्मा ने कहा है कि फीस अभी में के अमूम में इसको शामिल भी कर सकते हैं और बाद ने कहा है कि उस सबीदुल्लाह के पर कयास कर सकते हैं क्योंकि वो जो जिहाद होता था वो जिहाद भी अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए होता था और ये जो दावत हो रही है ये भी अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए हो रही है तो क्योंकि दोनों के मकासद एक हैं लिहाजा जिस तरह अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद में खर्च करना चाहिए वैसे ही दावत भी अल्लाह त रास्ता है तो उसमें भी वो माल खर्च करना चाहिए इन में ये बात भी आ गई है तो बहरहाल अनफिको फी सबीर अल्लाह तला के रास्ते में खर्च करो जो उस जमाने के लोग थे उनके लिए खास तकाजा ये था कि जंगे हो रही हैं उनमें ताउन करो हमारे जमाने के जो लोग हैं उनके लिए तक ये है कि भाई अब जंगे गरचे नहीं हो रही हैं लेकिन फिजिकल जंगें अगर बंद भी हो गई हैं या हमारे इलाके में नहीं हो रही इस्लाम और कुफर की तो एक इंटेलेक्चुअल जंग एक फिक्री जंग एक इलमी जंग बहरहाल चल रही है तो उस जो एक इंटेलेक्चुअल वॉर है इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम को गिराने की और इस्लाम को बदनाम करने की और रसोलम की सीरत के खिलाफ उसके लिए जो हथियार हमको चाहिए वो इन का हथियार है तो वो इदारे वो मदारिस वो जामिया जो हमको फराहम करते हैं जहाँ से हमको अपने कायदीन मिलते हैं हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाले जैसे मुल्क की हिफाजत जरूरी है वैसे अकीदे और मनहज की भी हिफाजत जरूरी है तो जैसे एक मुजाहिद होता है वो तलवार लेकर के निकलता है ताकि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे मुल्क की सरहदों की हिफाजत से ज्यादा जरूरी है अकीदा और मनहज और दीन की हिफाजत और जैसे एक मुजाहिद तलवार लेकर के निकलता है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए वैसे जो अहले हक उलमा होते हैं वो अपने कलम से अपनी जबान से दीन की सरहदों की हिफाजत करते हैं और दीन की सरहदों की हिफाजत करना किसी भी तरह से मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने से कम नहीं है बल्कि उनसे ज्यादा अहम काम है बल्कि लोगों ने बल्कि मुस, मुसलसल जो है वो ने इस बात की तस्हत की है कि सबसे अफजल तरीन काम दावत का काम है वमन हैमन दाअिल उस शख्स से बढ़कर बात किसी की नहीं हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है तो इफाक फीस अभी में ये भी शामिल है कि जो दावती इदारे काम कर रहे हैं जो तालीमी इदारे काम कर रहे हैं ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो अल्लाह तला का दीन महफूज हो उस वो जो इन्फाक फीस अभी का हुक्म आया है और उसकी जो फजीलतें आई हैं उन उस हुक्म और उस फजीलत में आ, इन इदारों पर खर्च करना अपना जो तली और दावती निज़ाम है दीन का उस पर खर्च करना भी उस शामिल है उसके उमूम में या उस पर कयास किया जा सकता है और ये इस वक्त की शदीद तरीन ज़रूरत है तो कोई भी कॉम जो है ना वो बग़ैर अपना माल खर्च किए हुए अपने मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकती कुरान मजीद में, में इतना ज्यादा जो इफाक का हुक्म आता है कि नमाज के बाद जब भी जो है नमाज की आ, इबादत का जिक्र आता है फ़ौर जो है वो ज़क़़त की बात का भी जिक्र आता है तो इससे समझ में ये बात आती है कि माल खर्च किए बग़ैर कोई कौम अपने मिशन में अपनी तहरीक में अपनी दावत में कामयाब नहीं हो सकती और एक दावती मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ जहां हमको अहले इल्म की ज़रूरत है वही से ही अहले माल की ज़रूरत है और कौमों की तरक्की इसी बात पर मुनहसर होती है कि अहल इल्म और अहल माल के दरमियान एक मुनासिब तामिल हो एक कोडिनेशन हो एक मुनासिब किस्म का एक दूसरे के साथ ताउन हासिल हो एक दूसरे का माल वाले अपना माल खर्च करें इल्म वाले अपना इल्म खर्च करें और इस तरह कौमें आगे बढ़ती हैं इस तरह दावत की तहरीक आगे बढ़ती है इस तरह दावत कमीशन का कामयाब होता है फरमाया वन फिको फीस अभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और मैंने बताया कि फी सभी में अखलास भी आ गया कि अखलास से खर्च करो जो भी माल दो खासतौर पर माल के मामले में तो हमको बहुत ज्यादा इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि हमारा माल खाल खर्च हो रहा क्योंकि माल खर्च करने में बहुत ज्यादा इस बात का इम्कान होता है कि आदमी के अंदर जरा सा तकबर आ जाए दिखावा आ जाए खुद को सकी कहलवानी का एक, एक एहसास पैदा हो जाए या सामने वाले पर एक एहसास एहसान जता करके या एहसान जो है मोहसिन बन करके उस पर एक दबाव डालने का मिजाज बन जाए इसीलिए जितना ज्यादा माल के खर्च करने को छुपाने का हुक्म दिया गया है उतना किसी और इबादत के मामले में नहीं यानी आप देखिए ना कि इस तरह की सूरत हाल की गई है कि आदमी अपने दाएं हाथ से खर्च करे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले यानी इकफा और इबादतों को छुपाना ये तो इखलास की एक अलामत है ही है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज को छुपाने पर जोर दिया गया है वो माल खर्च करना है अल्लाह के नबी हमने फरमाया कि जिन लोगों को अर्श के साय के नीचे जगह मिलेगी उनमें से कौन होगा जो दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता तो सबसे ज्यादा जो इबादत छुपा के करनी चाहिए वो अल्लाह ताला के रास्ते में इफ़ाक है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है क्योंकि इसमें इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान होता है कि बंदा जो है वो कहीं उसके दिल के अंदर दिखावा आ जाए कहीं उसके दिल के अंदर जो है वो रियाकारी आ जाए हाँ अलबत्त जहां पे जरूरत हो वहाँ आम भी माल देना चाहिए अगर अगर आप अपनी अः अपनी दिल के मामले में मुतमइन है कि आपका दिल जो है वो रियाक़ादी की तरफ मायल नहीं हो रहा है और कहीं पे जरूरत है दिखा करके देने की ताकि लोगों को मोटिवेशन हासिल हो आ, तो ऐसी सूरत में आप माल जो है वो दिखा करके भी अल्लाह रास्ते में खर्च कर सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इन्फाक ऐसा होना चाहिए अल्लाह और बंदे के बीच में जिसका जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के और बंदे के और किसी का नी वो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में हो ये बहुत जरूरी है यानी हमारे सिर्फ इन्फाक ही नहीं सारी बात आते लेकिन इन्फाक में इसलिए खास तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि इन इन्फाक में छुपाने से एक तीसरा फायदा ये हासिल होता है कि जिस जरूरतमंद को आपने दिया है उसकी गैरत भी सलामत रहती है यानी और इबादतें आप छुप करके कर रहे हैं तो इबादतें अल्लाह और आपके बीच में लेकिन ये इबादत ऐसी इबादत है ना जिसमें अल्लाह और आपके साथ एक तीसरा बंदा भी शरीक है जिसको आप जिसका ताउन कर रहे हैं तो जब आप ये इबादत छुपा करके करते हैं ना तो वो एक आदमी जिसको आपने दिया है उसकी इज्जत उसकी गैरत और उसकी सफेद पोशी का भी भरम रह जाता है वो भी किसी के सामने नहीं आ पाता तो इस मामले में खास तौर पे बंदे को यह एहतियात करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इबादतें इनफाक कैसी होनी चाहिए जिस सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में और इससे क्या होता है कि आपके इखलास की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इम्कान बढ़ जाता है कि वाक़ता आप अपने जो है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के मामले में मुखलिस हैं तो फीस अभी में दो तरह की बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी कि एक तो फीस अभी से मुराद यह है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद और रस पे खर्च करो और एक मुराद यह है कि जो अल्लाह ताला की दीन की दावत के लिए उसकी नश्रो इशात के लिए अल्लाह ताला की दीन की तबलीख के लिए जो काम हो रहा है उस पर खर्च करो और फीस अबी में एक बात यह भी आ जाती है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करना है तो और कोई मकसद आपके माल खर्च करने का नहीं होना चाहिए कोई मकसद अपनी रियाकारी अपने आप को सखी कहलाना या किसी इदारे में आप इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी चले उस इदारे के अंदर आपकी मान्यता हो वहां के लोग आपकी बात सुने ऐसी कोई भी चाहत अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हुए आ जाएगी तो आपका ना सिर्फ ये कि वो इन्फाकाय है वो माल जो आपने इतनी मेहनत से कमाया था उसमें सिर्फ आपकी नीयत की खराबी की वजह से वो आपका सदका ज़ाय हो गया बल्कि अल्लाह तला के यहाँ आप रियाकारी के मुजरिम ठहरेंगे और आपके लिए आपका सदका बजाय अज्र बनने के विज्र बन जाएगा बोझ बन जाएगा आपको जो है वो उसकी सजा दी जाएगी जैसे कि हदीसों के अंदर बाज रिवायतों में आता है कि सबसे पहले जिस शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा वो वही होगा जो अल्लाह तला अल्ला के रास्ते में माल तो खर्च करना था लेकिन खर्च करने का मकसद उसके सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि वो दिखावा करे तो अल्लाह तला, तला फरमाएगा जो तुम चाहते थे वो तो तुमको दुनिया के अंदर मिल गया व अनफिको फी तबी वीका और अपने आप को हलाकत में मत डालो अपने आप को हलाकत और बर्बादी में मत डालो अब अगर इस लफ्ज़ को हम पिछली वाली आयत से जोड़ करके यानी पिछले जुमले से जोड़ करके देखें इस जुमले को तो ये बात समझ में आती है कि अगर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो हलाकत तुम्हारा मुकद्दर है अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना यह अपने आप को हलाकत में डालना है इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में मत डालो मतलब अगर खर्च नहीं करोगे तो तुम हलाकत में पड़ जाओगे और इसको हम इस माना में भी समझ सकते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करना है अगर उस पर खर्च नहीं करोगे तो दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएंगे तुम्हारी सरहदें तोड़ करके तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो जाएंगे तुमको तबाह बर्बाद कर देंगे तुम्हारी मीशत ख़राब कर देंगे तुम्हारे दीन के मामले में फितना बन जाएंगे तुम्हारे लिए तो इस हैसियत से भी कहा गया है और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो कुफर को गलबा मिलेगा और कुफ़र का गलबा जो है वो तुम्हारे लिए दीन में फितने का सबब बन जाएगा तो एक माना ये भी है और अमूमी तौर पे भी कोई ऐसा काम करने से हमको रोक दिया गया जिससे हमारी हलाकत होती हो चाहे वो काम जो है वो आ, ऐ, ऐसे अमाल हों जिनसे बाकायदा जैसे खुदकुशी है खुदकुशी भी क्या है अपने आप को हलाक करना है और उल्मा जब खुदकुशी के हवाले से गुफ्तु करते हैं तो इस आयत को बाकायदा दलील के तौर पर पे पेश किया जाता है वलातुल्क मिलतुका खुदकुशी मत करो ऐसे ही वो अमाल जो हमारे लिए जिसमानी तौर पर नुकसान का सबब बनते हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं जैसे सिगरेट की जो हुरमत कामा ने फतवा दिया है या तमाकू नोश करने से जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी हरमत का जो फतवा दिया है उसमें बुनियादी जो इस्तलाल है वो इसी टुकड़े से हायत के वाला तुल्को बदीकुका अपने आप को हलाकत पे मत डालो तो सिगरेट पीना अपने आप को हलाकत में डालना है आज सारे अतिबा का इस बात पर इजमा है जितने भी डॉक्टर्स हैं और मेडिकल साइंस इस बात को बिल्कुल प्रूव करती है सिगरेट पीना एक इंसान के लिए हलाकत का सब है स्मोकिंग किल्स और इस सिगरेट या उस जैसी जितनी भी चीज़ें होती यानी गुटखा खाना या हमारे बहुत सारे नौजवान जो है वो हुक्का पीते हैं हुक्का पीना तो जो है वो सिगरेट से भी ज्यादा दस गुना ज्यादा नुकसानदा है तो सिगरेट तमाकू पान और उसकी जो भी शक्लें हैं जिनसे हमारी इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है तो अल्लाह ताला ने ये जो हमको जिस्म दिया है इस जिस्म की हिफाजत करना ये हमारी एक मुसलमान होने की हैसियत से जिम्मेदारी है एक मुसलमान इस बात को समझता है कि जिसमानी सेहत यह अल्लाह ताला की नेमत है हमारे में जो भी आजा हैं हमारे फेफड़े दिल गुर्दा दांत जबान होठ ये सब के सब अल्लाह के इनाम हैं ये अल्लाह का फजल है और क्यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी इन नेमतों के बारे में सवाल करने वाला है लतुस अल्लाउम अन नईम क्यामत के दिन अल्लाह तला तुमसे इन नियमतों के बारे में सवाल करेगा तो अगर हम इन नेमतों को पाने के बाद अल्लाह की नाफरमानी करके इनको खराब करते हैं कोई आदमी तमाकू खा करके अपने दांत खराब कर रहा है अपना अप, अपना जो है वो गला खराब कर रहा है कैंसर का मरीज बन गया है और कोई सिगरेट फूक करके अपने फेफड़े खराब कर रहा है तो ये अल्लाह तला के यहाँ उसको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जो नेमतें हमने तुमको दी थी जो ये जिसम दिया था बल्कि बाद रिवायतों में आता है कि बंदे से क्यामत के दिन सबसे पहले उसकी पानी की नियमत के बारे में सवाल होगा और उसकी सेहत की नियमत के बारे में सवाल होगा यानी अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या हमने तुमको पानी नहीं दिया था और तुम्हारा जिस्म दुरुस्त नहीं बनाया था सबसे पहला सवाल जिन नियमतों के बारे में होगा वो पानी की नियमत है और सेहत की जो नियमत अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को सही में रखा ये नियमत हमारा जिस्म इसके हम मालिक नहीं है बल्कि ये जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है और इस जिसम के बारे में हमको क्यामत की दिन अल्लाह तला के यहाँ जवाबदेही करनी है अल्लाह तला के हमसे पूछा जाएगा कि इस जिसम की नियमत का तुमने इस्तेमाल कैसे किया इसको खराब क्यों नहीं किया तो इनको खराब करना इनको हलाक करना ये गुनाह है और ने बाकायदा सिगरेट नोशी की हुरमत पर इस आयत से इस्तेद्ल किया है वाला अपने आप को हलाकत और बर्बादी में मत डालो तो आइंदा जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए जब भी जो है वो तमाकू नोश करने का ख्याल आए गुटखा खाने का ख्याल आए और हुक्के पीने का ख्याल आए फौरन ये आयत का टुकड़ा आपके जहन में आना चाहिए वला अपने आप को हलाकत में मत डालो ये हुक्म जो है ना अल्लाह ताला हुक्म है इसलिए मैं अपने भाइयों से ये बात अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई काफिर के लिए तो हो सकता है कि सिगरेट पीना या तमाकू खाना या मुख्तलिफ जो है वो मुजर सेहत चीजें जो होती हैं ड्रग्स की शक्ल में उनके लिए तो सिर्फ दुनिया का मसला हो सकता है पर हमारे लिए चीज़ें सिर्फ दुनिया का मसला नहीं है यानी एक आलिम होने की हैसियत से अगर मैं यानी एक तालब का दिन काम होने की हैसियत से मैं अगर आपको तम्बाकू खाने से रोक रहा हूँ या आपको सिगरेट खाने से रोक रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा जो अप्रोच है वो एक सेकुलर अप्रोच नहीं है भाई मना करने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट कंपनियां बनाती हैं वो खुद मना करती हैं कि आप इसको मत पीजिए तो मना करने वाले लोग बहुत हैं पर उनका अप्रोच क्या है कि इससे आपके जिसम को नुकसान पहुंचेगा हमारा अप्रोच ये नहीं है सिगरेट रोक पे, पीने से रोकने से या तमाकू नोशी से रोकने के लिए हमारा अप्रोच ये है कि इससे आपकी आखिरत को नुकसान पहुंच रहा है अल्लाह ताला ने आपको मना किया है हाँ सिगरेट कंपनी ने आपको मना किया है शायद ये इतनी बड़ी बात आपके लिए ना हो जैसे वो कहा जाता है ना कि भाई एक आदमी जो है वो सिगरेट की डिब्बी खरीदने के लिए गया और खरीदा जब उसको फाड़ने लगा उसको देखा इर्द गिर्द में तो उसने वापस कर दिया बोला ये कौन सा सिगरेट तुमने दे दिया है इसमें वो लिखा हुआ नहीं स्मोकिंग किल्स मुझे वो वाला सिगरेट दो जिसपे वो लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स और वो बना रहता है ये तो नकली सिगरेट तुमने कोई दे दिया है तो हो सकता है कि दुनिया में लोगों का मना करना आपके लिए उतना अहम नहीं हो पर कायनात के खालिक ने आपको मना किया ये तो आपके लिए अहम होना चाहिए हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया जब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी थी तो अगर एक एक सेब खाने से मना ही किया था तो रुक क्यों नहीं गए पर अमली जिंदगी में हम देखें तो हमारी भी तो यही सूरत हाल होती है ना अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं खाने पीने के लिए तो अगर अल्लाह ताला कुछ चीज़ों से रोक ही दे रहा है तो हम क्यों नहीं रुक जाते हैं? भाई उसको आ, उसका क्या अल्लाह ताला ने उसका बदल नहीं दिया हलाल इतनी सारी चीजें दी हैं आपको अपने काम दहन को लज्जत पहुंचानी है तो क्या हलाल की कमी है कि आपको हराम का रुख करना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हमको अल्लाह ताला ने मना किया है बोला तुल्ख बीदी को तहलुका अपने आप को हलाकत में मत डालो तो दो बातें हुई साहब के हवाले से पहला क्या कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करोगे हलाक हो जाओगे काफी तुम पर गालिब आ जाएंगे तुम्हारे दीन का नुकसान पहुंचेगा दूसरी सूरत यह कि कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारी जिस्मानी तकलीफ का जिस्मानी हलाकत का बाइस बने तीसरी चीज यह है कि वो नाफरमानियां मत करो जिन नाफरमानियों की सजा में अल्लाह तला तुमको हलाक करते हैं हाँ मैं ये चीजें जो है ना वो लिख करके पहले से इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें कुरान मजीद में तदब्बर करते हुए खुलती इसलिए मैं इसको बार बार जो है ना अब आप, आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको आप खुद लिख लिया करें क्योंकि मुझे खुद भी ना दर्ज देने के बाद याद रहती है ना दर्ज देने से पहले याद रहती है दर्ज के दरमियान में जो मुताला होता है उस हवाले से मैं चीज़ें मुरतब करता हूँ तो पहली चीज मैंने ये बताई कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना ये हलाकत का सबब है क्योंकि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे तो काफी गालिब आ जाएंगे उनका गलबा जो है वो आ, फिक्री सतह पर भी होगा और या फिजिकली भी वो गालिब आ जाएंगे मुसलमानों के मुल्क पे तो ये गालिब हो जाए चाहे मुसलमानों के मुल्क पे गालिब आ जाए तो भी वो जान माल का नुकसान पहुंचाएंगे और अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे तो वो इल्मी और हमारी जहन पर गालिब आ जाएंगे हमको जहनी तौर पर अपना गुलाम बनाएंगे और उनके कुफ़र के फितनों के हम शिकार हो जाएंगे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना ये अपने आप में एक हलाकत है तो उसका अल्लाह ने हुक्म दे कि खर्च करो ताकि हलाकत से बच सको दूसरा अनफिको फिर सभी से अलग भी अल्लाह तौल ने फरमाया अपने आप को हलाकत में मत डालो तो जो जिसमानी हलाकतें होती हैं यानी वो काम जो हम अपने जिसम को नुकसान पहुंचाते हैं जिन कामों के ज़रिए से भाई शुगर का पेशेंट है वो एहतियात करें वो एहतियात नहीं करता है तो उसका मतलब वो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको पाबंदियां लगाई हैं तो डॉक्टर का कहना मानिए तिब्बा का कहना मानिए या अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आप अपने जिस्म की हिफाजत करें बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं ना वो आ, वो बिल्कुल फक्रिया ये कहते हैं कि भाई हम तो कोई एहतियात नहीं करते तो एहतियात नहीं करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है प्रिकॉशन ये जरूरी है ये शरीयत का भी हुक्म है कि आप अपने जिस्म का ख्याल रखें तीसरी बात मैंने ये कही कि बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं ना जिन गुनाहों की सजा हलाकत होती है तो उन गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं उन गुनाहों में पड़ जाना ये खुद अपने आप को हलाकत में डाल देना है इस हवाले से अल्लाह के नबीम की बहुत सारी हदीसें हैं जैसे उन्होंने सुना तबाया तुम बिल्ना वजनाबुल्बकर व रजी तुम बिज़र व तरक् तुम्लिहाद सल्लुम जुल तर्जी कितनी प्यारी हदीस है और गोया की हदीस ऐन इस आयत की तफसीर कर रही है जो आयत हमने ऊपर पढ़ी है अल्लाह के नबी नबीम क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी नबीम फरमा रहे हैं कि इजा बिल की जब तुम इना की बह करने लगो इना की बह का मतलब होता है सूद का यानी सूद की किस्म होती है जिसको बीना कहा जाता है मसला अब आप मैं आपसे एक तो सूद लेना ये होता है ना कि मैं आपको कोई सामान बेचू कोई सामान दू सौ रुपये सौ रुपए आपको कर्ज दू और आपसे एक सौ दस लूँ तो ये तो होता है जो डायरेक्ट सूद होता है ईना जो है वो घुमा फिरा करके सूद लेना यानी जैसे अः मैं जो है वो आपको मुझे जो है जरूरत है सौ रुपयों की तो मैं आपको बोलूँ की आप मेरी ये घड़ी ले लें सौ रुपये में और सौ रुपया मुझको दे दें और आप ये घड़ी किसी को नहीं बेचेंगे आइंदा मैं ही आपसे घड़ी खरीदूंगा एक सौ दस रुपये में तो ये क्या हुआ इनडायरेक्ट तरीके से सूद लेना है यानी बहुत सारी चीजें जब शरीयत में हराम कर दी जाती हैं तो शैतान क्या करता है शैतान उसको घुमा फिरा करके हलाल करने की कोशिश करता है और हमारे जमाने में ये बहुत ज्यादा इसकी सूरतें पाई जाती हैं ना कि लोग चीजों को हराम होने के बाद उसके हलाल होने के लिए हलाल करने के लिए यानी एक तो है हलाल का कोई हलाल रास्ता ढूंढ लेना या लेकिन एक होता है कि हराम को हलाल कर लेना तो ये ईना जो है वो सूद की ऐसी किस्म है यानी सूद को डायरेक्ट हलाल करने के बजाय एक घुमा फिरा करके हाथ घुमा करके कान पकड़ना जिसको हम कहते हैं तो फरमाया जब तुम अना की बह करने लगो यानी सूद खाने लगो तुम अजनाब अल बकर और तुम गायों की ऊंट पकड़ करके बैठ जाओ अखस्त तुम अजनाब अल बकर मतलब ये कि खेती बाड़ी में मशगूल हो जाओ दुनिया कमाने में वह रजी तुम बिजदरा और तुम खेती से बस राजी रह जाओ खेती से खुश होगी खेती बाड़ी हो रही है वह तरक्त तुम अल जिहाद और अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़ दो जब ये काम करोगे तो क्या होगा सल्लिकुल्ला तो तुम पर जो है वो जिल्लत तारी कर देगा यानी तुमको तुम कमजोर कर देगा तुमको दूसरों के मातहत कर देगा तुम, तुम मगलूब हो जाओगे हार जाओगे दुश्मन तुम गालिब आ जाएंगे ला और अल्लाह हैं की जो जिल्लत तुम पर तारी होगी अल्लाह उसको उस वक्त तक नहीं हटाएगा हता तर्ज इलादी निकुम यहाँ तक कि तुम अपने दीन की तरफ लौट जाओ अल्लाह के रसूल ने बताया है कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना छोड़ दोगे और तुम दुनिया में मगन हो जाओगे दुनिया कमा रहे हो उसी में खुश हो तुमको अल्लाह ताला के दीन से कोई लेना देना नहीं कौन हदायत पर है कौन गुमराही की तरफ जा रहा है तुम बस अपना कारोबार अपना करियर अपनी तालीम अपने बच्चे अपना पेट इसी में खुश हो अल्लाह ताला के दीन से तुमको कोई लेना देना नहीं है तो अल्लाह ताला क्या करेगा तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर देगा और ये तुम्हारी हालत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी हती तरजी कुम जब तक कि अपने दीन की तरफ ना लौट जाओ हमारी दुनियावी सूरत हाल इस वक्त यही है कि हम कौमों के दस्तरखान बने हुए दुश्मनों हमारे सरों पर मुसलत है ना हमारा माल महफूज है ना हमारी इज्जत महफूज है ना हमारा दीन महफूज है ना हमारी जान महफूज है और इन सब की वजह क्या है अल्लाह के रसुल्लम ने इस हदीस के अंदर बता दिया कि तुम हराम खाने में और जो हराम नहीं भी खा रहे वो हलाल में ही लेकिन अपनी जिंदगी में ही मसरूफ है उसको अल्लाह ताला की दीन से कोई लेना देना नहीं है तो एक मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता है तो ये असल में हलाकत ये भी ये हलाकत है अल्लाह ताला की नाफरमानी करना ऐसे गुनाह करना अल्लाह के नबीम ने बहुत सारी हदीसों में बहुत सारी जो है ना वो ऐसे गुनाह बताए हैं वो एक पूरा मौजू हो जाएगा कि किन किन गुनाहों की वजह से अल्लाह कौन कौन से अजाब भेजता है बल्कि मुसीबतें जो अक्सर हम पर आती हैं वो अल्लाह की नाफरमानियों की जैसे आती हैं तो जो अल्लाह ने कहा अपने आप को हलाकत में मत डालो इसका एक मतलब ये भी है कि अपने आप को अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी में मत डालो क्योंकि नाफरमानी करोगे तो हलाकत तुम्हारे मुकदर में रहेगी वो हलाकत भी दुनिया की भी है और आखिरत की भी है यानी मान लो कि तुम कोई गुनाह कर रहे हो दुनिया में हो सकता है कि उसका अजाब अल्लाह ना भी दे तो आखिरत का अजाब तो है ही है और आखिरत का अजाब तो दुनिया के अजाब से ज़्यादा सख्त है हम उनको छोटा अजाब पहले भेजते हैं ताकि वो तोबा करके रुजू कर लें इससे पहले कि अल्लाह ताला अपना बड़ा अजाब भेज दे तो आप देखिए आयत कितना जू माना इसके कितने सारे मानी जो है ना वो एक लफ्ज से निकल रहे हैं लातलकूबे को मिलत तालुका से ही की भाई दुनिया में भी ऐसे अमाल मत अंजाम दो कि दुनिया में अल्लाह ताला के अजाब के शिकार हो जाओ और ऐसे अमाल भी जो भी गुनाह कर रहे हो नाफरमानी कर रहे हो सकता है दुनिया में उसका कोई हो सकता है कि दुनिया में उसका कोई सजाना हो लेकिन आखिरत में तो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो तो यानी पता चला कि हलाकत से मुराद दुनियावी हलाकत भी हो सकती है और हलाकत से मुराद आखिरत की हलाकत यानी आखिरत का अजाब भी हो सकती है जो भी नाफरमानी कर रहे हो असल में अपनी आखिरत में आखिरत को तबाह कर रहे हो अल्लाह तला के अजाब को दावत दे रहे हो यह अजाब दुनिया का भी हो सकता है ये अजाब आखिरत का भी हो सकता है और साहबा ये बात को समझते थे तो यही बरा इब्ने आजब जो है वो कहते हैं ये इमाम तबरी ने इसको उनके कौल को जिक्र किया है कि जो अल्लाह ने फरमाया वातल्क बिअदी को मिला तहलुका जो ये कहा अल्लाह ने कि अपने आप को हलाकत में मत डालो कहु रजुलबुनूबा फ़यल्की बेदी ही यकूल लात बतली कि अल्लाह तला ने जो फरमाया कि अपने आप को हलाकत में मत डालो तो इससे मुराद ऐसा आदमी है जो गुनाह करता है गुनाह करके अपने आप को हलाकत में डालता है फिर उसके बाद वो कहता है लात तो बतली अब मेरे लिए तोबा का रास्ता नहीं बचा अब अल्लाह ताला मेरी तोबा कबूल नहीं फरमाएगा तो यानी गुना करना अपने आप को हलाकत में डालना है फिर तोबा से मायूस हो जाना कि अब मैं तोबा करूंगा तो अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा ये डबल हलाकत है इसने अपने आप को हलाकत में डाल दिया था अब वो तोबा करके उसको बाहर निकाल लेता है निकाल सकता था लेकिन वो कहता है ला तो बतली अब मेरे लिए कोई तोबा का रास्ता नहीं बचा मैंने बहुत गुना कर दिए हैं अब मेरी अल्लाह ताला तोबा कबूल नहीं करेगा तो अपने आप को गुना करके हलाकत में डालता है लेकिन तौबा करके वापस उस हलाकत से बाहर नहीं निकालता तो हर नाफरमानी असल में अपने आप को हलाकत में डालना है इसलिए देखिए एक, एक आदमी जो अल्लाह के नबी के पास आया और कहा हलक तू अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया ये सही मुस्लिम की रिवायत है तो अल्लाह पूछा वमा अहलक का? कौन सी चीज़ ने तुमको हलाक कर दिया है काला वक़ा तो अलमराती फी रमज़ान कहा कि अल्लाह के रसूल में रमजान में अपनी बीवी से मैंने हम बिस्तरी कर ली यानी गुनाह हो गया मुझसे सरजत मैंने उस हालत सियाम में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली तो उस गुनाह को सहाबा हलाकत समझते थे कि कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए ये मेरी हलाकत है दुनिया की हलाकत से बड़ी हलाकत आखिरत की हलाकत है तो बहरहाल इस आयत के ये बहुत सारे मानी जो हमने देखे मुलातुल्क को मिलाता तहलुका अपने आप को हलाकत में मत डालो व आहसिनो और नेकी करो एहसान करो इन यबालमुहुसिन बेशक अल्लाह ताली महसिन को से मोहब्बत करता है एहसान करने का क्या मतलब होता है एहसान करने के दो माना होते हैं एक तो होता है इबादत में एहसान जिसकी तशरी अल्लाह के नबी नबीसम ने फरमाई अनताबल्लाम तक तरा हो कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि अल्लाह ताला को देख रहे हो और अगर अल्लाह ताला को देखने वाली जो कैफे नहीं कभी हम अगर अल्लाह ताला के हुजूर में जब पहुंचेंगे और अल्लाह की इबादत करने का मौका मिलेगा तो उस वक्त हमारे खुशू का आलम क्या होगा वो आलम दुनिया में होना चाहिए गोया कि हम अल्लाह को देख करके अल्लाह की आदत कर रहे हैं उस वक्त हम अपनी दाढ़ी नहीं खुजाएंगे ना अपने सर के बाल नहीं खुजाएंगे उस वक्त ये नहीं होगा कि सर हमारा सजदे में और दिमाग हमारा जो है वो घर पे है दुकान में है बच्चों में है कारोबार में है फिर तो हम अपने हजूर कल्ब के साथ वो जो अलाम इकबाल का एक शेर है कभी यह हकीकत मंतज़र नज़र आलिबास मजाज में कि हज़ारों सजद तलब रहे हैं मेरी जबीर नियाज में तो ताबीर जो उन्होंने इस्तेमाल की वो तो बहरहाल महल नज़र है लेकिन वो एक तसवर की मैं हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में कि वो जो मेरे माथे पे सजदे तड़प रहे हैं जब हकीकत में अल्लाह ताली के हजूर सजदा करने का मौका नसीब होगा तो वो जो खुशी होगा वो खजू होगा अल्लाह के बंदे जो महसिन होते हैं ना वो दुनिया में भी ऐसी नमाज पढ़ते हैं गोया कि वह अल्लाह के सामने ही खड़े यानी वो अपने आप को वाक़ता अल्लाह के हजू यानी आप नमाज में सोचे ना नमाज में अल्लाह ताला हमारी नफ़ से हमारी शहरक से भी ज्यादा हमारे करीब होता है यानी हमसे कोई भी इतनी आदमी कितना भी करीब हो उतना करीब नहीं हो सकता जितना अल्लाह हमसे करीब है हर वक्त अल्लाह ताला हमसे करीब ही होता है और नमाज की हालत में तो और ज्यादा करीब होता है तो अल्लाह की उस कुर्ब का एहसास करके जब नमाज पढ़ता है बंदा तो फिर वो बाल निकल हो जाएगा नमाज में वो जो है ना पूरी नमाज में अपने कपड़े ही नहीं समेटता रहेगा वो यहाँ वहां देखिएगा नहीं कि उसकी आंख सजदे की जगह पे नहीं टिकी हुई है तो इबादत में एहसान ये कि आदमी वो ऐसी इबादत कर रहा है गोया कि वाक़ता अल्लाह ताला अपनी कुर्सी पर अल्लाह रबीन जो है वो मुस्तवी है और बंदा बंदे को इजाजत मिली है और फिर वो नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के सामने तो फिर उस नमाज की कैफियत ही क्या होगी वलम तक फैन हुई ठीक है अगर उस मरतबे पे नहीं पहुँचे हो तो कम से कम इस मरतबे पे तो हो रहो नमाज में कि वो तुमको देख रहा है यानी अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवजह तो होता है ना नमाज में अल्लाह ताला तो देख ही रहा है हम अल्लाह को नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो हमको देख रहे तो एक हकीकत है इसको ये जो है ना इसको इसको एहसास करना इसका तो आसान होता है कि अल्लाह हमको देख रहा है हम जो भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह तला हमको देख रहा है अल्लाह हमारी तरफ हदीस के अंदर आता है अल्लाह ती तुम्हारी तरफ मुतवज होता है जब तक तो तुम अल्लाह की तरफ मुतवजह होते हो लेकिन जब तुम अल्लाह से तवज्जो हटा लेते हो अपनी यहाँ वहाँ देख रहे हो नमाज में तो फिर क्या होता है फिर अल्लाह तभी भी तुमसे तुम पर मुतवजह नहीं रह जाता है मैं तो समझता हूँ ना आप नमाज के खुफियों में सिर्फ इतनी बात का एहसास करिए कि अल्लाह तला ना सिर्फ एक ही आपको देख रहा होता है बल्कि आपको मतलब आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है अल्लाह रबमी आपको रिएक्ट कर रहा होता है आपके आपको रिप्लाई कर रहा होता है आपका यानी जब आप रब्बिल आलमीन कहते हैं अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहा होता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की हमद अनी अब्दी और रहमान रहीम कहते हैं तो अल्लाह ताला कहता है असना असनाली अबी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की जब आप मालिक उम्मीदी कहते हैं तो अल्लाह ताला, ताला फरमाता है मज्जद अनी अब्दी आपकी हर हर हमारे हमें से हर आदमी की बात पर अल्लाह रिप्लाई कर रहा होता है कितनी बड़ी बात है ये यानी मुझ जैसे आदमी हम कोई बड़े शेख को अगर मैसेज कर दें वो रिप्लाई कर दे तो हम खूले नहीं समाते गेरे शेख का मैसेज आ गया जवाब आ गया अल्लाह ताला रिप्लाई करता है हर नमाज में हम में से हर किसी की नमाज में एक एक इंडिविजुअल की नमाज में हमारे लिए मुमकिन नहीं है सबको एक साथ रिप्लाई करना पर अल्लाह ताला तान शान ये शानुन अनशानिन अल्लाह एक काम करते हुए दूसरे काम से अः काम नहीं कर सकता ये अल्लाह ताला का मसला नहीं है अल्लाह ताला एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है तो अल्लाह ताला हमको हमारी तरफ मुतवज्जे होता है इन यराक ना सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है बल्कि अल्लाह हमारी बातों का जवाब दे रहा होता है हम तो यही हमारे हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना अल्लाह ताला के का अकीदा अल्लाह के बारे में ये तो सब उसमें सबसे बड़ा हुस्न यही है ये ना कि हम एक एक अल्लाह एक हई क्यूम एक जात को अपना खुदा मानते हैं जो जिसका कनेक्शन बराबर इस्तवार है अपने बंदों से हाँ हम कोई एक फर्स्ट कॉज वाले खुदा को नहीं मानते कि बस वो ठीक है कोई था पावर उसने फिर वो कायनात को बना दिया वो कायनात से ला ताल्लुक है अल्लाह ताला तो ता एक एक बंदे से उसका ताल्लुक हर सतह पर जुड़ा हुआ है तो जब आप यही तस्वर कर लेते हैं ना कि आपकी बात का रिप्लाई कर रहा है अल्लाह तो फिर वो नमाज में एक जो कैफियत पैदा होगी ना उसी कैफियत का नाम एहसान है, है हा कि आप फिर वो इसलिए बात शलफ के बारे में आता है ना कि वो नमाज पढ़ने खड़े होते तो चेहरा उनका पीला पड़ जाता था तो लोग पूछते कि ये क्या हो गया आपको जब वजू बनाते ना चेहरा पीला पड़ जाता तो लोग पूछते थे तो ये क्या हो गया आपको तो वो कहते थे पता है मैं किसके सामने खड़े होने जा रहा हूँ फील करते थे उसको उनको हम किसके सामने खड़े वो जो एक बड़े से बड़े बादशाह के सामने आप खड़े होने जाए तो एक कैफियत होती है ना आपकी खौफ और हैबत और रोब जो उसका महसूस करते हैं आप तो वो सलफ उस खौफ को उस रोब को अल्लाह ताला अल्ला की महसूस करते थे नमाज में तो वो एहसान है इसको एहसान कहा गया है कि मतलब कम से कम वो तो तुमको देख रहा है ये तो एक हकीकत है ना तो इसके एहसास के साथ नमाज पढ़ो तुम ये इबादत वाला एहसान है तो फरमाया एहसान करो और एक एहसान एहसान मखलूक मखलूक से एहसान करना मखलूक के साथ एहसान करना तो अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करो उनके साथ उसने सलूक करो मखलूक के अलग अलग दर्जे हैं और उनके साथ एहसान का भी अलग अलग लेवल है कुछ एहसान वाजिब है कुछ एहसान मुस्तहब है वालदेन है उनके साथ उसने सलूक करना वाजिब है उनकी किफालत वाजिब है उनका नफका वाजिब है उनकी इतात वाजिब है उनके इज़ार आसानी से बचना वाजिब है अपनी जबान अपने हाथ से उनको तकलीफ देने से बचना वाजिब है और फिर उस एहसान के मुस्तहबी दर्जे होते हैं अल्लाह के मखलूक के साथ एहसान करो माँ बाप के साथ एहसान करो शोहर बीवी के साथ एहसान करे बीवी शौहर के साथ एहसान करे माँ बाप बच्चों के साथ एहसान करें बच्चे माँ बाप के साथ एहसान करें अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो अपने मोहल्ले के लोगों के साथ एहसान करो अपनी कौम अपनी जमात अपने मुल्क मिलत के साथ एहसान करो अल्लाह की मखलूक जो जानदार है, हैवान है उनके साथ भी एहसान करो हमारे दिन में तो यह है कि जानवर भी जो है उनके साथ भी उसने सलूक करो हती कि बेजान चीज़ों के साथ भी एहसान करो कोई इमारत है उसके साथ एहसान करो किताब है उसके साथ एहसान करो कि उसका हक उसको दो तो एहसान एक बड़ा जो है ना वो एक बड़ा उसको माना है उसका उसने सुलूक करना और एक एहसान का एक एहसान जो है ना वो अदल के मुकाबले में भी आता है अदल का मतलब होता है हर चीज़ को उसका हक देना और एहसान का मतलब होता है हक़ से ज़्यादा देना तो एक एहसान जो है वो तो माना में आता है किसी चीज़ के साथ भी अच्छे से कोई काम करना इसको भी एहसान कहते हैं कि हर काम जो है वो इस एक्सीलेंट होना चाहिए तुम्हारा हर काम में एक्सेलेंसी आना चाहिए तुम्हारे अंदर और जो है वो एक एक एहसान ये कि अदल के साथ किसी को इसी का हक दे दिया काफी नहीं है हक़ से ज्यादा देना इसको भी एहसान कहते हैं और ये सारी चीजें इसमें शामिल है अमूमी तौर पर करने को भी एहसान कहा जाता है तो एहसान करो इन अलाबुल महसिन अल्लाह तला महसिन से मोहब्बत करता है और ये इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है किसी काम को करने के लिए कि ऐसा करने वाले अल्लाह के महबूब बन जाते हैं भाई हम अल्लाह को चाहते हैं ये तो एक बात है अल्लाह हमको चाहने लगे ये बड़ी बात है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे और अल्लाह अपने महसिन बंदों से मोहब्बत करता है जो इबादत में एहसान करते हैं अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करते हैं नेकियां करते हैं अल्लाह ताला नेकी करने वाले बंदों से जितनी नेकी करता है अल्लाह ताला बंदा बंदे से उतनी मोहब्बत करता है और अल्लाह जब बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तला उसकी मोहब्बत फिर फरिश्तों में भी डाल देता है और ज़मीन वालों में के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है और सारी कायनात उससे मोहब्बत करने लगती है और फिर जब इन शाली आखिरत में उसको उठाया जाएगा तो अल्लाह तला जिनसे मोहब्बत करेगा उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है अल्लाह हम सबको वहाँ पर जमा फरमाए तो इससे पता चला कि नेकी जितना आप नेकी का लेवल आपका हाई होगा अल्लाह ताला की मोहब्बत आप अचीव करेंगे इंशाल्लाह श्ला अच्छा और फिर ये कि इससे ये भी पता चला ना कि अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है कि अल्लाह तला मोहब्बत करता है हम अल्लाह तला की जो सिफात हमको कुरने कुरान हदीस से मिलती है उसमें से एक सिफत यह भी मिलती है कि अल्लाह ती मबत करता है मोहब्बत करना अल्लाह ताली की एक सिफत है अल्लाह तला की एक क्वालिटी है अल्लाह ताली की खसूसियात में से खसूसियत है और हम अहले सुन्नत जमात हमारा ये यकीदा है कि अल्लाह ताली की जो जो सिफत साबित होती है हम उनको साबित मानते हैं पहली बात अल्लाह के लिए यानी हम तातील नहीं करते तातील का मतलब होता है इनकार करना तो हम तो पहली बात ही इनकार नहीं करते हम अल्लाह तला के लिए मानते कि अल्लाह मोहब्बत करता है और तातील की एक सूरत होती है तावील करना कि बाज़ लोग मोहब्बत का इनकार नहीं करेंगे पर मोहब्बत की तावील करेंगे जैसे जो अशायरा हैं लोग जो हमारे यहाँ पे आमतौर पे हनफी जो है वो अशरी होते हैं या जो मातरीदी होते हैं बहुत सारे शाफी जो मातुरीदी होते हैं वो ये कहते हैं अल्लाह मोहब्बत तो करता है पर यहाँ मोहब्बत से मुराद वो मोहब्बत नहीं जो मोहब्बत का हकीकी माना है ज़ाहरी माना कहते हैं मोहब्बत से मुराद यहाँ पे है सवाब देता है या सवाब देने का इरादा करता है तो वो मोहब्बत की तावील करते हैं मोहब्बत की तावील नहीं करते हैं हम मोहब्बत का जो माना होता है उस माना में ही जो उसका ज़ाहरी माना है मोहब्बत करना मुझे भी पता है आपको भी पता है मोहब्बत करने का क्या मतलब होता है हम मोहब्बत को उसके जाहरी माना में मानते हैं हम तावील नहीं करते और दो चीज़ें हम क्या नहीं करते तमसील नहीं करते यानी हम अल्लाह ये मानते हैं कि अल्लाह मोहब्बत करता है पर अल्लाह का मोहब्बत करना मखलूक की मोहब्बत करने की तरह नहीं है तो हम अल्लाह हम ये नहीं कहते कि अल्लाह वैसी मोहब्बत करता है जैसे मखलूक मोहब्बत करती है अल्लाह की मोहब्बत मखलूक की मोहब्बत से अलग है क्योंकि अला सा का मिसल ही कोई चीज़ अल्लाह की मिसल नहीं है और चौथी चीज़ अल्लाह तला की मोहब्बत की हम कैफियत बयान नहीं करते अल्लाह तला कैसे मोहब्बत करता है हमको नहीं पता बस हमको बता दिया कि अल्लाह मोहब्बत करता है तो हम मानते हैं कि अल्लाह मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की तावील नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोग जो है ना वो जो अशरी हैं और वो अल्लाह तला की सिफत मोहब्बत को नहीं मानते और वो कहते हैं मोहब्बत से मुराद सवाब देता है या मोहब्बत से मुराद सवाब देने का इरादा करता है तो जाहिर सी बात है मोहब्बत का मतलब सवाब देना नहीं होता मोहब्बत एक, एक मारूफ उसका माना होता है हम वो मारूफ माना ही मोहब्बत का मानते हैं और उसको कोई मा, उस मारूफ मानो को बयान करने की जरूरत नहीं है हमको भी पता है मोहब्बत करना किसको कहते हैं आपको भी पता है मोहब्बत करना इसको कहते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है नेकी करने के लिए कि जितनी नेकी करोगे अल्लाह ताला की मोहब्बत उतनी ही अचीव करते जाओगे बहरहाल अल्लाह ने फरमाया फरमाएनफी फी सभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो वालाकूबी को मिलता अपने आप को हलाकत में मत डालो व आह और नेकियां करो एहसान करो इनबालमसिन अल्लाह तला नेकी करने वालों को कबूल से मोहब्बत करता है व तीमुल हजब वमर तिल्ला और हज और उमरा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए अब यहाँ से हज का बयान शुरू हो रहा है उमरे का बयान शुरू हो रहा है तबान उम्र का बयान असला हज का बयान शुरू हो रहा है और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको सर बकरा के शुरू में बताया था कि सुर बकरा की खसूसियात है कि इस्लाम के जो अरकान हैं उन अरकानों में जो है तकरीबन सारे अरकान का जिक्र आपको सुरह बकरा में मिलेगा और कदरे तफसील से मिलेगा शुरुआती हुई है तो नमाज का जिक्र आ, आ, जका। आ रजकना का गया और का जिक्र आ गया जक़ात का जिक्र आया फिर उसके बाद अभी कुछ आयतों के पहले रोजे का जिक्र आया अब यहाँ पर हज का जिक्र आ रहा है और तो ही तो बहिर सी बात है मोहम्मद रसोल्ला तो हर सूरत का ही मौजू होता है तो जो अरकान इस्लाम है इस्लाम के अरकान में से एक अहम तरीन रुकण है हज का उसका बयान यहाँ पे शुरू हो रहा है और कैतल के बयान के फौरन बाद शुरू हो रहे है और कैताल का हज से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि हज भी एक तरह का कैताल है हज भी जो है ना वो एक तरह का जिहाद है एक मरतबा ख़वातिन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द हजरात को इतना बड़ा सवाब मिलता है जिहाद करके कैताल करके तो हमको भी कोई आप जिहाद में शिरकत की इजाज़त दीजिए हम भी जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में और वो सवाब जो मर्दों को मिल रहा है वो हमको भी मिल जाए तो अल्लाह ने फरमाया अलैकुमुल जिहाद ला किताल फी तुम्हारे ऊपर ऐसा जिहाद है जिसमें किताल नहीं करना है लड़ाई नहीं करना है और वो क्या है हज हज है हज में जिहाद भी कर, एक भी जिहाद, ये भी तरह का जिहाद है तो मैंने बताया ना पिछली आए में किताल का जिक्र आ रहा है अब वो जिहाद की एक सूरत किताल थी अब जिहाद की एक सूरत हज भी है जिहाद एक बहुत वसी लफ्ज है हज भी उसके अंदर शामिल है हज भी एक तरह का जिहाद है इसलिए हज को भी फीस लीलाह कहा गया है कुरान मजीद में है ना तो वो जो है वो हज का जिक्र यहाँ पर शुरू हो रहा है और हज की अहमियत में तो यही बात बहुत बड़ी हो जाती है कि हज इस्लाम के अरकान में से बाकायदा एक रुकन है इस्लाम के जो अरकान है पांच अरकान उनमें से एक रुकन है हज करना पांच अरकान में से एक रुकन है और एक बहुत यूनिक तरह की बात है हज यानी आप देखिए ना जितनी भी इबादतें हैं जाहिर सी बात है इबादतों की जो तरतीब है उसमें तो नमाज़ से अफजल तरीन कोई इबादत नहीं है उसके बाद जो है जकवात है रोज़ा है आखिर में हज का जिक्र आता है फजीलत के एतबार से लेकिन हर इबादत में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरी इबादतों में नहीं पाई जाती है।, है ना वैसे रोज़ा जाहिर सी बात है कि नमाज से अफजल नहीं है रोज़ा लेकिन रोज़े की अपनी खसूसियात हैं जो नमाज में नहीं है एक मुसलसल लंबी इबादत है इतना लंबा देर तक कि पूरा दिन बंदा रोजे की हालत में है तर्क कर रहा है तर्क करना भी इबादत है एक तरह की वो रमजान वो रोजे में कुछ रोजे में वो तर्क करके अल्लाह की इबादत कर रहा है यानी कुछ चीजें होती है कि आप फेल करके अल्लाह की इधात करते हैं कुछ होती है तर्क करके बात करते हैं रोजे की खसूसियत है कि आप तर्क करके कोई चीज तर्क करके कर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो एक किसी के किसी को कुछ देना भी इबादत होता है तो अल्लाह के रास्ते में देना जक़ात देता है बंदा हज में एक जिस्मानी अमल करता है और रोजे में क्या करता है बचना भी एक तरह की इबादत है तो वो रोजे की एक अलग तरह की यूनिकनेस है कि उसमें आप किसी चीज़ से बच करके भी अल्लाह तला के से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं बे बेसिक जो इबादत होती है वो आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होती है आपका एक जो अल्लाह तला से ताल्लुक है लगाव है उसका इजहार करने के लिए आप इबादत करते हैं अल्लाह तला की अजमत को बयान करने के लिए इबादत करते हैं तो उसके अलग अलग फॉर्मेट है बंदा हर फॉर्मेट में इबादत करके ना एक तरह से सबूत दे रहा होता है कि अल्लाह ताला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तेरी ताजीम करता हूँ मैं तेरा मोहताज हूँ तो बहुत अजीम है तो हर इबादत में एक यूनिकनेस एक खसूसियात पाई जाती है तो हज भी देखिए ना आप अपने एतबार से एक बड़ी यूनिक इबादत है कि भाई एक यहाँ पे नहीं आप नमाज क्या है घर पर भी नमाज पढ़ सकते हैं आप मस्जिद में भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और रोजा आप घर पे भी रखते हैं मस्जिद में भी रखते हैं पर हज एक ऐसी चीज है कि नहीं वहां आप हर जगह नहीं कर सकते एक खास मकाम अल्लाह ने तय कर दिया है और बंदा अपनी सारी मेहनतों के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ करके और फिर वो अल्लाह तला के लिए के उस घर का कसर करता है जो हज की इबादत अदा करने के लिए बनाए गए हैं तो फिर वो एक अलग तरह का एहसास है ना अल्लाह के घर की तरफ रुजू करने का ये भी एक मोहब्बत का एहसास है कि मैं अपने रखते सफर बान करके और अपने जो है वतन को अपने मुल्क को छोड़ करके फिर अल्लाह तला में तेरी तरफ आ रहा हूँ हाँ इन्नी वो जो कुरान की था इन्नी इन्नी राहुल रबी मैं जा रहा हूँ अपने रब के पास यानी वो अल्लाह से मुलाकात का एक अलग ही एहसास हज में है कि बंदा उस जमीन की जियारत करने के लिए जा रहा है जो तोहहीद की सरजमीन है उस घर की जियारत करने जा रहा है जो मुसलमानों का किबला है और जिसको अल्लाह के अम्बिया ने अपना किबला बनाया है और जिसकी बुनियाद जो है वो हजरत आदम ने रखी फिर हज़रत इब्राहिम ने उसकी तजदीद की है फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने उस घर को पाक किया है बुतों की गंदगी से और हज़रत इब्राहिम ने आवाज लगाई है नाशिल हज या तो करी जा रहे हैं अल्लाह दिन की हज़रत इब्राहिम को कहा गया कि आप लोगों को हज के लिए बुलाइए हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी अल्लाह मारीना मनासिक अल्लाह ना हम आपको मनासिक सिखा दे और मनासिक में इबादत और इबादतों में हज भी शामिल है तो हज़रत इब्राहिम से वो जो एक हज की सुन्नत होती हुई आई और जो अमाल अल्लाह के रसुलसलम ने किए हैं और अल्लाह के ने उम्मत को सिखाए हैं जब हजाला किया तो फरमाया खुजवा मनासिकम अपने हज के मनासिक मुझसे सीख लो तो वो एक सारा सब कुछ सफ जो है वो अपना रखते सफर बांध करके निकल गया अल्लाह ताला के रास्ते में और जरा सा आप तस्वुर करें अब तो हमारे यहाँ इतनी सारी सहूलतें हो गई हैं ना तो आप वो जरा तस्वुर करें कि वो दौर जब लंबे लंबे असवार लंब किए जाते थे और <laughs> बड़ी मशक्कतों से पहाड़ों से दरियाओं से रा सीना चीर करके तीन तीन चार चार महीने छह महीने की मसाफत तय करके लोग काबतुल्ला पहुँचते थे हज करने के लिए और रास्ते पुरान नहीं होते थे खुद जो है ना वो मक्का की और हरम की जमीन भी पुरन नहीं होती थी तो इतनी मशक्क़तें उठा करके बंदा एकदम और वो एक मुसाफिरों की तरह सफेद कपड़ा अहराम का बांधे हुए अल्लाह के हजूर में पहुँचा है सारे अलग अलग नस्लों के अलग अलग रंगों के अलग अलग जबान बोलने वाले अल्लाह के बंदे एक जगह जमा हो गए हैं और सब अल्लाह तला अल्ला की तोहद का कलमा पुकार रहे हैं और एक तोहहीद की सदाएं गूंज रही हैं और ये एक वो जो उम्मत का माहौल बना हुआ है हर रंग हर नस्ल हर कबीले हर खानदान में कोई तफरीक नहीं रखी गई है और सब एक जबान जो है ना अल्लाह तला की तोहद का कलमा बुलंद कर रहे हैं लब्बईक अल्लाह लब्ब लब्बला शरीक अल्लाब्ब लब तो वो एक जो तोहीद का माहौल बन रहा है और अल्लाह तला के लिए जो एक विजदान और एक जो कल भी कैफियत उस वक्त मौजूद होती है वो आप वो यूनिकनेस और वो खसूसियात और किसी इबादत में नहीं मिलते ना आपको वो जो एक उम्मत होने का तस्वुर वहां आदमी को पहुंच करके महसूस होता होगा अल्लाह ताला हम सबको वहां पहुंचने की तोफ़ी अदा फरमाएं यानी वो उम्मत तो वहां जा करके दिखाई देती कि ये उम्मत है यहाँ इसका छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला के लिए उसकी तोहिद का कलमा बुलंद कर रहे हैं ला शरीक अलग कोई तेरा शरीक नहीं सब वो अल्लाह के नबी असलम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ये अमीर गरीब फकीर या अफ्रीकी या अमरीकी ये हिंदुस्तानी ये पाकिस्तानी इन सबको कौन सी चीज है जिसने एक रिश्ते में बांध दिया है ला शरीक अलग की कोई तेरा शरीक नहीं अल्लाह ला इला कोई तेरे अलावा इबादत के लायक नहीं है वो सब एक घर को एक मरकज समझ करके उसके गिर्द घूम रहे हैं उसकी तरफ मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं और वो एक जो दिल का सुकून अल्लाह के घर को हासिल देख करके हासिल हो रहे हैं उसका कोई बदल ही नहीं है ना वो एक अलग ही इबादत है हर इबादत का की अपनी एक लज्जत है अल्लाह हम सबको अपने घर की ज्यारत का शरफता फरमाए तो वो एक अलग खसूसियत एक उम्मत होने का एहसास और एक एक नबी के से नबी की नबूवत का एक रिश्ता जो हमको जोड़ देता है एक एक रिश्ते में जाकर करके बांध देता है उसमें गोरा भी है काला भी है उसमें अफ्रीकी भी है उसमें हिंदुस्तानी भी है पाकिस्तानी भी अफगानी भी है सब एक लड़ी में पिरो दिए गए हैं सब एक जैसा कपड़ा पहन करके आए हैं सब एक ही बात जबान से निकाल रहे हैं वो जो एक हज का यूनिकनेस है ना वो तो कहीं भी नहीं है तो हज ये बड़ी खसूसी और बड़ी प्यारी बात है इसलिए अल्लाह तला ने ये अल्लाह तला के दीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि हम वो जो हक है बैतुल्ला का वो छीन ले बैतुल्ला से इसलिए वो जो अल्लाह ताला ने बैतुल्ला नहीं हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में ऐसे मराकज़ बना दिए गए कि यहाँ पे भी हज होता है इधर सात मरतबा चक्कर लगा लो तो एक हज का सवाब मिल जाता है अल्लाह के बंदो ये कितना बड़ा दीन के साथ जुल्म है वो जो मरकजे तोहिद को जो अजमत अल्लाह तला ने दी है ना वो तोहीद की अजमत उससे कोई नहीं छीन सकता हमारे यहाँ लोग बोलते हैं अजमेर का साथ चक्कर लगा लो हज हो जाते हैं, वो एक पाकिस्तान में शहबाज कलंदर की मजार है तो लोग कहते हैं कि जो गरीबों का हज यहाँ पर होता है कितना बड़ा अल्लाह तला के दीन के साथ जुल्म है कितनी बड़ी अल्लाह के दिन के साथ ना इंसाफी है हाँ तो अल्लाह तहाँ से हज का बयान शुरू कर रहे हैं और हज के मसाइल इन शाल मुख्तसरन इसमें बयान किए जाएंगे तो फरमाया वीमर हज और उम्र को मुकम्मल करो पूरा करो ला अल्लाह तला के लिए इसमें कितनी बातें आ गई पहली बात यह कि हज अगर शुरू किया है तो उसको मुकम्मल करो और उम्र शुरू किया है तो उसको मुकम्मल करो इसलिए ने कहा है कि और नफली इबादतें जो हैं अगर वो पूरी ना करें आप बीच में उसको छोड़ दें तो इजाजत है जैसे अल्लाह के केसलम नफली रोजा रखते थे और नफली रोजा जो है वो घर में गए पूछा खाने के लिए कुछ नहीं है तो रोजा रख लिया फिर पता चला कुछ आया तो उसको छोड़ दिया रोजे को हर नफली इबादत शुरू करने के बाद मुकम्मल करना उसको ज़रूरी नहीं होता लेकिन हज अगर नफली हज भी है या उम्रा अगर नफली उम्र भी है आपने शुरू कर लिया है तो उसका इतमाम करना है उसको मुकम्मल करना है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है जो भी उसके मनासिक हैं वो पूरे पूरे मुनासिक अदा करने हैं आपको तो अतिमों में एक माना तो ये पाया गया और इतमाम में एक माना आ, मतलब एक्सीलेंस का और वो भी पाया जाता है कि मुकम्मल हज करो तुम्हारा हज जो है ना वो एक जितना तुम कामिल तरीके से उसमें यानी इबादत और खलूस और लिलाहत और एक एक लम्हे को कीमती बनाना अल्लाह ताला के लिए वो इतमाम और वो एक्सीलेंस तुम्हारा हज के अंदर होना चाहिए हाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोगों के लिए हज का सफर और उमरे का सफर इबादत से ज्यादा पिकनिक वाला तस्वुर हो जाता है और जो है ना वो उसका नुकसान ये होता है ना कि वो हज इबादत नहीं रह करके कोई सियाहत बन जाती है कोई उसका हज एक बहुत अफजल अमल है तो उसके तकदस का ख्याल पहले दिन से जब जैसे ही आदमी अपने घर से कदम निकालता है उसके तकदस का ख्याल रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी इबादत करने में जा रहा हूँ तो पहले मरहले में ही पहले शुरू से लेके आखिर तक के उसको इताद के कामों से उसको नेकी के कामों से उसको इताद के जज्बों से भर देना चाहिए हज को यानी हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये देखने में आती है कि सफ़र के साथ ही जो है ना हज का सफ़र शुरू होते ही बंदा हज की अज़मत को समझ नहीं पाता है और वो सफ़र से ही सफ अपने हज के सफ़र को ही गुनाहों से भर देता है हज का सफर इतना अजीम सफर है कितने लोगों को ये देखने में आता है ना कि गुनाह कर रहे हैं हाँ स्मोकिंग करते हैं हज के सीजन में हज करने के लिए गए उसमें स्मोकिंग कर रहे हैं या गैर जरूरी अमाल कर रहे हैं हाजियों को तकलीफ दे रहे हैं हज के दौरान में ख्वान को देखा जाता है कि वो मेहंदी लगा करके गई हैं भाई आप क्या कर रहे हैं यानी ऐसा ऐसा सफर है उसमें सादे कपड़े पहनने का गुम दिया गया उसमें मेहंदी लगा करके गई हैं हज करने के लिए हाँ आपकी शादी में जा रही है कि उसमें मेहंदी लगा करके जा रहे हैं कपड़े जब इतने सादे रखने के लिए कहे गए तो एक्स्ट्रा जीत आप उसमें कैसे करके जा रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए हज का सफर जो है ना वो शॉपिंग का एक मौका हो जाता है शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और जो है ना वो बहुत सारे हाजियों को वहां दिखाया जाता है कि वो दौरान सफ़र सफ़र के दरमियान में भी और उसके बाद हज के मनासिक में भी अरफ़ार में जमा है मिना में है मुजल्फ़ा में है हरम मक्की में है तवाफ़ कर रहे हैं वहां पर फजूल बकवास कर रहे हैं गतें कर रहे हैं चुगलिया कर रहे हैं एक दूसरे की हाँ बैठ करके मजलिस लगा ली है और उस मजलिस में जो है ना वो दुनिया भर की खुराफात हो रही है सियासत पर बातें हो रही हैं और जो है वो एक दूसरे की इज्जतों को उछाल रहे हैं एहन उस सफर के अंदर जो इतना मुबारक सफर है जहाँ इंसान को समझना चाहिए कि मैं इस एक एक लम्हे को अल्लाह ताला की इताद के लिए सर्व करूं और दुआओं के लिए और असकार के लिए सर्व कर दूं तो वो हरम में मुजल्फा में मीना में अरफात में मजलिसें लगा लगा करके लोगों ने बताया मैंने तो हज किया नहीं अल्लाह ताला मुझे भी तोफ़ी के फरमाए पर जो तजर्बा करके आते हैं वो अपना तजर्बा ये शेयर करते हैं कि वहाँ बैठ करके जो है ना वो गीबतें हो रही हैं चुगलियाँ की जा रही हैं रिश्ते लगाए जा रहे हैं यानी वहाँ पे बैठ गए अरफात में ही एक दो औरतें मिल गई कि अरे तुम्हारी कितनी बेटी है हमारे इतने बेटे हैं और वहाँ से रिश्ता लगा करके आ रहे हैं तो हज का जो सफ़र होता है वो बड़ा मुबारक और मुकद्दस सफ़र है आप उस सफ़र पे जाएं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक एक लम्हे को आप कीमती बनाएं मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि होटल जो है ना वो करीब से होता है लेकिन लोग इतनी ही तोफीक होती है कि उतर करके आ करके मस्जिद हराम में नमाज अदा करें फ़रैज़ वो अपने होटल में ही अदा कर लेने नमाज उस मतलब इतना हसीन मौका आदमी को वहां पर मिला है अल्लाह ताला अल्ला के घर में नमाज अदा करने का और इतनी तोफ़ी अगर बंदे को ना हो कि इस सफर में भी जाकर के हज और उमरे के सफर में भी वो अपने होटलों में नमाज अदा कर रहा है और इतनी सी मशक्कत वो बर्दाश्त नहीं करता कि वो नीचे आकर के हरम में और अल्लाह ताला की जो इतनी सबसे अजीम तरीन मस्जिद है उस मस्जिद में आकर के नमाज अदा करे फरमाएमर ती इतम का एक मतलब है कि उसके मनासिक को पूरा करो और इतमाम का एक मतलब ये है कि एकदम कम्प्लीट एक जो एक्सीलेंस और एक जो है ना वो बेहतरीन तरीके से हज करो आला हज करो इतमाम में एक माना मानी मुकम्मल हज करो तुम्हारे हज में कोई कमी नहीं रहना चाहिए मुकम्मल हज करो एक पूरे हज को जो है नकियों से भर दो और अहम तरीन बात क्या फरमाईल्ला हज अल्लाह के लिए करो हज का मकसद उम्र का मकसद अल्लाह को ख़ुश करना होना चाहिए और ये बहुत बड़ा मसाला जैसे सदकात के बारे में मैंने आप लोगों के सामने रखा कि सदक़ात में बहुत ज़्यादा इस बात की गुंजाइश पैदा हो जाती है कि इंसान सदका कर रहे हैं और उसकी नीयत लोगों के सामने सखी कहलवाना है ऐसे ही हज में भी ये बहुत बड़ा मसाला हो जाता है कि बाज़ मरतबा हज करने का मकसद अल्लाह को खुश करने से ज़्यादा लोगों के दरमियान हजी कहलवाना है अब तो ये जरा सा रिवाज हमारे यहाँ खत्म खत्म हुआ है कम हुआ है बल्कि क्योंकि हज करने वाले भी बहुत कसीर तादाद में हो गए पहले बहुत कम लोग होते थे जो हज की मुशक्क़्क़तों को बर्दाश्त करके हज कर पाते थे तो उनको खसूसी तौर तो पर हाजी साहब कहा जाता था अब ये क्योंकि अलहमदिल्ला वो एक जो मिजाज बन गया था हमारे यहाँ पर कि बुढ़ापे से पहले हज नहीं करना है वो मिजाज खत्म हुआ अब नौजवान बल्कि जो अल्लाह तला पैसे वाले होते हैं अपने बच्चों को भी हज करा के लेकर के आते हैं तो वो एक मिजाज तो ख़त्म हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं जहन में ये बात हो जाती है कि लोगों को पता चले मैं हज करने के लिए आया हूं इसलिए सूरत हाल बन गई हज में कि जैसे लगता है कि जो मुनासिब शरीय ने वाजिब किए हैं सेल्फी लेना उनमें से एक बाकायदा मनसक है और ऐसा लगता है कि अल्लाह तला वो हमारे स्टेटस व्हाट्सअप के देख करके ही देने वाला है तो उम्र करने वाले और हज करने वालों का एक मिजाज हम तौर पे ये देखने में आ रहा है कि वो यानी एयरपोर्ट से लेकर के वापस एयरपोर्ट पर आने तक के पूरा सफर मुकम्मल करके हर हर मरले की तस्वीर है एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए कभी सफर करने का मौका मिलता है तो वहां देखते हैं एयरपोर्टा पहन वहन करके, करके हैराम और ट्रॉली हाथ में लेकर के और फोटो खिंचाई जा रही है क्या करना है फेसबुक पे पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे डालना है व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है जहाज में बैठ गए वहां पे सेल्फी ले रहे हैं तवाफ करते हुए वीडियो बना रहे हैं अपनी और खुद नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरे को मोबाइल दिया हुआ है कि हमारी जरा सा वीडियो बना लो रमी कर रहे हैं उसमें एक बंदे को देखा वो एक हाथ में कंकर लिया हुआ है दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर के यानी आप शैतान भी खुश हो रहा होता होगा ऐसे मौके पर तो रमी करते हुए भी जो है ना वो सेल्फी ले रहा है अपनी कंकर मारते हुए भी सेल्फी ले रहा है अरफात के मैदान में हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं तो दूसरे को मोबाइल दिया हुआ है कि मैं हाथ उठा रहा हूँ उसकी भी फोटो बना ले एक एक मरहले की नहीं वो पूरा पूरा हज जो है ना हज से ज्यादा फोटोशूट का कोई एक वो बन जाता है फिर इसमें मैं नहीं कहता कि सारे फोटो खींचने वाले मुखलिस नहीं होते लेकिन आप देखिए कि इसमें शैतान के लिए कितनी गुंजाइश पैदा हो जाती है दिखावा करने की हाँ और फिर ऐसे लोगों से मना किया जाए तो बोलेंगे अरे वो घर वालों का मुतालबा है कि दिखाओ वही घर वाले अगर हज के मनाजिर देखना चाहते हैं तो दुनिया भर की वीडियो है यूट्यूब पर उठा करके देख लेना कि उसके लिए वही मौका मिला है तो इसका इसकी बहुत ज्यादा यानी एक एक चीज के लिए जो है ना तस्वीरें खींच करके उसको यूट्यूब पे डालना और फिर वो यानी आने के बाद ये एहसास कि भाई मुझको लोग हाजी कहें और हाजी कहलवाने का शौक अल्लाह ताला के यहाँ अजर अभी मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं पर लोग दुनिया में हमको हाजी कहने लगे बाद लोग तो मतलब खुद ही अपने आप को हाजी कहते हैं पूछो आप कौन है तो अपने नाम के साथ हाजी लिख करके लगाते फोन पर बोलते मैं हाजी फला बोल रहा हूँ हाँ वो कहा जाता है कि भाई एक आदमी का बड़ा कर्जा था किसी दुकान पर बड़ा उन्होंने कर्जा लेकर के रखा था डायरी में पूरा उनके तफसीलात मौजूद थी वो हज करके जब वापस आए तो दुकान वाले के पास गए और कहा जरा मेरी वो कर्जो वाली डायरी निकालना तो दुकानदार बहुत खुश हो गया कि लगता है अब ये हज करके आ गए तो अब ये मेरा जितना भी पुराना कर्जा बाकी है वो चुकाने वाले तो वो दुकानदार ने डायरी निकाल करके दी तो इन साहब ने कहा कि वो जो मेरा नाम लिखा है उसके आगे हाजी लिख दो मतलब वो हाजी लिखाने के लिए ये गर्चे को लतीफा होगा लेकिन हमारे समाज की एक हकीकत भी लतीफे जो है ना वो हमारी आ, हमारी हमारी नफसियात ही को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो एक अगर ये कहीं जो है ना वो ख्वाहिशा दिल के अंदर पैदा हो जाए कि मैं भाई हज इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे मेरे मरतबे को समझें या उमरा करने के लिए जा रहा हूँ उसका मकसद ये कि लोग को पता चले कि मैं उमरा करके आया हूँ मैंने ये देखा है बाकायदा नफसियात में बाज लोगों को कि अगर वो हज करके आए हैं तो उनसे आप अगर पहली मुलाकात करेंगे तो कोई ना कोई किस्सा जरूर छेड़ देंगे ये बताने के लिए कि मैं हज करके आया हूं ना ना कोई मुनासिबत नहीं होती है लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं हज कर कर चुका हूं कोई ना कोई बात में ऐसी बात ले आएंगे कि अरे मैंने मैं तो हज करने गया था तो वहां ऐसा हुआ था आप देखिए शैतान जो है ना वो हमारी नफ्सियात का बहुत माहिर होता है तो वो कभी जो है ना वो पहले तो हमको इबादतों से रोकता है जब वो नहीं रोक पाता नहीं बहुत सारे लोगों को तो इसीलिए रोक करके रखा हज नहीं करने जा रहे हैं हा? टाल रहे टाल रे, टाल, रे, टाल रे तक कि मौत का वक्त आ जाएगा नहीं कर पाएंगे इसलिए ने फरमाया कि जिसको हज हज करना है वो हज करने में जल्दी करे वरना कभी बीमार आदमी बीमार हो जाता नहीं हज कर पाता है कभी उसकी सवारी गायब हो जाती है कभी कोई और परेशानी उसको आ जाती है तो शैतान पहले तो कोशिश करता है हैं हजी मत करने दो अब हज करके आ गया है तो कोशिश करता है इसके हज जाए कर दो बिदतें करा करके उसको गुनाह करा करके फजूलियात करा करके जितना कम सवाब कमा सके उतना कम सवाब कमाने दो हाँ और उससे भी नहीं रुक पाया तो फिर शैतान क्या करता है कोई ऐसा अमल कराओ कि उसका वो दिखावे में शुमार हो और उसका वो अमल ज़ाय हो जाए तो बाज लोगों को मैंने देखा उनका बाकायदा ये चाहत होती कि इनको हाजी कहा जाए और वो किसी से मुलाकात करते हैं तो वो ढूंढ करके कोई ना कोई एक वाकया हज का बयान करते हैं ताकि पता चले कि ये साहब हज करके आ गए नहीं हज जबलोम था ला हज और उमरा सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए तो अल्लाह के लिए हज करो अच्छा वो इसके साथ कोई पिकनिक का भी ये नहीं होना चाहिए कि भी पिकनिक करना है नई जगहों को देखना है एक्सप्लोर करना है चीज़ें नई नई हाँ अपनी जो है सियाहत की जो शौक़ है उसका पूरा करना है ये सब मकसद नहीं होना चाहिए हज करने का हज और उम्र करने का मकसद सियाहत नहीं होनी चाहिए हज और उम्र करने का मकसद जो है वो शॉपिंग नहीं होनी चाहिए हज और उमरा करने का मकसद जो है वो वहां की लज्जतों से फ़ायदा उठाना बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे बताया गया कि वो जो है ना बस पूरा रास्ते में जो खाना बट रहा है तो ला करके जमा करके खाने की पैकेट रखने के ही चक्कर में लगे रहते हैं कि खाना जमा कर लो वहां से कोई शरबत बांट रहा है जमा कर लो कोई खजूर बांट रहा है वो जमा कर लो ये सारे हज के मकासद नहीं होने चाहिए हज का वही मकसद होना चाहिए जो जिहाद का मकसद बयान किया गया लीला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हज वतिमज वमर तला इससे उलमा ने एक दलील भी पकड़ी है कि हज की तरह साहिब इस्तेतात पर उमरा भी वाजिब है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है और हुक्म जो है वो वजूब के लिए होता है तो जिस पर हज की इस्तेतात हो उस पर हज वाजिब है और अगर उमरा की भी इस्तेतात है तो हज और उमरा दोनों वाजिब है तो उमरा के वजूब की जो दलाल उमरा के वजूब वाजिब होने के बारे में इख्तिलाफ के यहाँ पर लेकिन जो उलमा कहते हैं कि उमरा वाजिब है वो इस आयत को बतौर दलील पेश करते हैं कि हज करो अल्लाह के लिए और उमरा करो अल्लाह तला के लिए तो पता ही चलता है कि उम्र भी हज की तरह वाजिब है क्योंकि दोनों का हुक्म एक साथ आया है तो जैसे इतम हज का हुक्म है वैसे ही उम्रे का भी इतमाम करना चाहिए अब इसके आगे फहीन तुम से हज के कुछ मसाइल बयान किए गए पहले तो मैं इस बात का एतराफ़ कर लूँ क्योंकि मैंने उम्रा नहीं किया है हज नहीं किया है तो बहुत अच्छे से मसाइल मुझे समझ में नहीं आते मैं दो हफ्ते से तैयारी कर रहा हूँ हज उम्रा के मसाइल ताकि आप लोगों के सामने मैं रख सकूँ तो मैंने कुछ चीज़ें तो तैयार कर ही ली हैं इन शाल वो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा लेकिन यह है कि आ, हज के मसाइल और उम्र के मसाइल जो हैं वो बेहतर ये होता है कि वो उलमा बयान करें जिन्होंने खुद हज उमर किया है बल्कि कई मरतबा हज उमर किया है वहाँ पर रहे हैं वहाँ के मामला को जानते हैं तो मैं मुख्तसर इन शी हज उम्रा के मसाइल जो इस आयत के अंदर बयान हुए वो आप लोगों के सामने रखूंगा पर तफसीली मसाइल जानने के लिए वो बेहतर है कि आप मेरे बयान पर अतम ना करें क्योंकि मुझसे इस मामले में ग़लती सरजद हो सकती है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो उल्मा की जो तहरीरें हैं वही आपके सामने रख कर के ट्रांसलेट कर दूँ लेकिन टाइम तो यहाँ पर ख़त्म तकरीबन मेरा ख़त्म हो गया है और मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा है इस के अंदर तो इन ताहयत में हद से मुतल जो मसायल बयान हुए हैं उसको हम अगले दरस में कवर करेंगे ख़ासतौर पर शेख अब्सैमीन की जो तफसीर है उससे मैंने जो मसाइल उन्होंने रखे हैं वो मैंने आ, आप लोगों के सामने इनशा अरबी जबान में ही रख देने और उसका तर्जुमा आपके सामने कर देना है ताकि कोई जो है बर्डन मेरे ऊपर ना आए गलत मसला बयान करने का आ, तो जो आयत में मसाइल बयान हुए इनशा उसको हम अगले दर से उसको कवर करेंगे आज का दरस यहीं पे ख़त्म करते हैं सुबह सुबह कशद